संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से बिना नाम लिए पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर हमला। कहा, दुनिया को भारत ने युद्ध नहीं बुद्ध दिया, इसलिए आज हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ आक्रोश। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में परमाणु युद्ध का राग अलापते नजर आए इमरान खान। कहा, कर्फ्यू हटते ही कश्मीर में खून खराबा होगा। चीन के विदेश मंत्री ने भी कश्मीर मुद्दा उठाया। चार राज्यों की चार विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित। यूपी और त्रिपुरा की सीट पर बीजेपी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और केरल में लेफ्ट ने जीत दर्ज की। बैंक घोटाले में एफआईआर दर्ज होने के बाद शरद पवार के भतीजे अजीत पवार का विधायक पद से इस्तीफा। इस्तीफे पर शरद पवार बोले, ईडी के मुकदमे के बाद बेचैन थे। बाबरी मस्जिद गिराने के आरोपियों में शामिल बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह पर आरोप तय। 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली। दिल्ली सरकार आज से 24 रुपए किलो के हिसाब से प्याज बेचेगी। एक व्यक्ति को 5 किलो प्याज मिलेगा। मॉनसून खत्म होने की कगार के बीच पिछले 4 दिनों में तेज बारिश से पुणे, हैदराबाद और यूपी में अब तक 60 से ज्यादा मौतें। जिस हाउसिंग कंपनी ने 2500 करोड़ का लोन नहीं चुकाया, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक ने उस कंपनी के मालिक को 96.5 करोड़ का लोन दिया। और तालिबान की धमकी और हिंसा के बीच अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव आज, 16 प्रत्याशी चुनाव मैदान में।